चंडीगढ़ से आ रही है, जहां सेक्टर 26 स्थित दो नाइट क्लब्स के पास मंगलवार सुबह करीब 4 बजे दो धमाके हुए हैं। धमाके देसी बमों से किए गए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सुबह सुबह डराने वाली खबर सामने आई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित दो नाइट क्लब्स के पास मंगलवार को सुबह सुबह करीब 4 बजे दो धमाके हुए हैं। चंडीगढ़ पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ के नाइट क्लब्स के बाहर पटाखों में भरे जाने वाले पोटाश के माध्यम से देसी बम बनाकर धमाका करने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। जिन नाइट क्लब्स के पास धमाके हुए उनमें से एक रैपर बादशाह का है। फॉरेंसिक टीम्स मौजूद। अब तक की जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक दो अज्ञात बाइक सवारों ने सुबह तड़के चंडीगढ़ के दो नाइट क्लब्स के पास संदिग्ध विस्फोटक फेंका है। चंडीगढ़ पुलिस की फॉरेंसिक टीमें इस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा भी की जा रही है। कम तीव्रता वाला बम। जानकारी के मुताबिक इस पूरी घटना में किसी की भी जान जाने या घायल होने की कोई सूचना अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि विस्फोट से कई खिड़कियों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अपडेट के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अज्ञात आरोपियों ने कम तीव्रता वाला बम फेंका था। रंगदारी का मामला। चंडीगढ़ पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये रंगदारी का मामला है। पटाखों के साथ पोटाश का इस्तेमाल करके फेंका गया है। कुछ जूट की रस्सियां मिली हैं और उनमें से कुछ तेज आवाज निकली। सेविले बार बॉलीवुड सिंगर बादशाह का है, लेकिन डी ऑरा बादशाह का नहीं है। जिस वक्त धमाका किया गया उस वक्त नाइट क्लब बंद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के मकसद से ही इन धमाकों को किया गया है। शुरुआती जांच में इन धमाकों के पीछे नाइट क्लब्स के मालिकों में दहशत फैलाकर एक्सटॉर्शन का एंगल भी सामने आने की आशंका है। इस पूरी घटना पर डीएसपी दिलबाग सिंह धालीवाल ने कहा, हमें कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि यहाँ कुछ निजी समस्या हुई है। हमारे जांच अधिकारी ने देखा कि यहाँ शीशा भी टूटा हुआ है। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। हमने अभी FIR दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। तो इस पूरे मामले पर क्या आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया TV क्राइम अलर्ट के साथ।